हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले UP SSC ने एक नोटिस जारी किया है, तो वो देख लेते हैं। 2016 का देखिए, फिर से लगभग 8 साल बाद एक थोड़ा सा नोटिस है। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन एक्सरे तकनीशियन के प्राप्त अधियाचनों के क्रम में आयोग के विज्ञापन संख्या 2016 के अंतर्गत एक्सरे तकनीशियन के 52 पदों में से अनारक्षित श्रेणी हेतु 29 पद, SC के 10 पद, OBC के 13 पद और क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत ये कैटेगरी है और ये इतने पद आरक्षित हैं। अधियाचनकर्ता विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत ये शासनादेश संख्या के प्राविधानानुसार विकलांगजन श्रेणी हेतु आरक्षित 1 पद के सापेक्ष विकलांगता की उप श्रेणी के चिन्हांकन का उल्लेख नहीं किया गया था। तदनुसार विज्ञापन संख्या इसके अंतर्गत विज्ञापित एक्सरे टेक्नीशियन के 52 पदों में से विकलांगजन हेतु आरक्षित 1 पद के सापेक्ष विकलांगता श्रेणी की उप श्रेणी का चिन्हांकन का उल्लेख नहीं था। उक्त के क्रम में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या आपका 16 मई 2024 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के निर्गत शासनादेश संख्या ये, इसके आलोक में एक्सरे तकनीशियन के 52 पदों में से विकलांगजन हेतु आरक्षित 1 पद के सापेक्ष विकलांगजन श्रेणी में OL, एक पैर प्रभावित दाया या बाया OA, एक हाथ प्रभावित दाया या बाया PD, आंशिक बधिर एवं PB, आंशिक दृष्टिहीन को मान्य किया गया है। तो देखिए, जो ये एक्सरे टेक्नीशियन के 52 पदों पर विज्ञापन आया था, इसमें एक जो पद था वो विकलांगों के लिए आरक्षित था उसमें, लेकिन सब कैटेगरी नहीं बताई गई थी किस कैटेगरी को लेकर या किस कैटेगरी के कैंडिडेट को एलिजिबल माना जाएगा। तो शासनादेश संख्या ये जो पत्र आया है इनका, इसके अनुसार ये जो 4 कैटेगरी दिखाई है इनको मान्य अब कमीशन ने कर दिया है इस पद के लिए, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। तो यही पूरा इंपॉर्टेंट एक नोटिस था। अब जो लोग इस कैटेगरी में है उनके लिए ठीक है, एक पोस्ट उनको मिल जाएगी। तो 2016 का देखिए ये भी नोटिस है, 8 साल इसको भी निकल चुका है, लेकिन अब यह है जब से मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुई है, UP SSC ने फिर भी काफी ठीक ठाक काम किया है, लगातार नोटिसेस भी आए हैं। बस एक जिसका वेट सभी कर रहे हैं, लेखपाल की भर्ती का, अगर 4700 पदों पर वो विज्ञापन आयोग समय से जारी कर दे तो मुझे लगता है बच्चों के दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी और बच्चे आगे की तैयारी में अपनी लगेंगे। स्पेशली जिनका इस बार नहीं हुआ क्योंकि कट ऑफ काफी ज्यादा चला गया, तो उनके लिए अच्छा मौका अगली वाली भर्ती में होगा। तो ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।